हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी परिवहन फ्रेंड्स। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हां फ्रेंड्स, एक जून से कैंडिडेट्स का रिप्लेसमेंट पैनल जारी कर दिया गया है। ये फर्स्ट रिप्लेसमेंट पैनल है एंड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। एंड सेकेंड जोन से टेक्नीशियन ग्रेड थ्री वाले कैंडिडेट हैं जिनका फुली ट्रेनिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो फाइनली छात्रों का इंतजार खत्म हो गया, उनके लिए खुशखबरी आ गई है। दो अलग अलग जोन से ये अपडेट दी गई है, तो दोनों ही जोन्स की अपडेट मैं आपको ऑफिशियली दिखाऊंगा एक एक करके। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं सीधे वीडियो में और बताता हूँ मैं आपको कि किस जोन से रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया गया है और किस जोन के टेक्नीशियन ग्रेड थ्री वाले कैंडिडेट्स का ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हुए हैं, जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, जिससे आपको रेलवे भर्ती की पर्पल की ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड तिरुवनंतपुरम के जो कैंडिडेट हैं जिनका रिप्लेसमेंट पैनल एएलपी वाले कैंडिडेट हैं जिनका रिप्लेसमेंट पैनल जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग डेट देख सकते हैं, 3 तारीख की डेट में ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है। आपका फर्स्ट सीबीटी, यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो फर्स्ट सीबीटी हुआ था वो इस डेट में हुआ था, सेकेंड सीबीटी इस डेट में हुआ था, उसके बाद में वेरीफिकेशन आपका इस डेट में चला था एंड जो मेडिकल एग्जामिनेशन था वो आपका कंप्लीट करवा लिया गया था कैंडिडेट्स का। ये कैंडिडेट्स असिस्टेंट लोको पायलट के हैं, कैटेगरी नंबर 2 के हैं, जिनके लिए अगेंस्ट रिप्लेसमेंट पैनल जारी कर दिया गया है। यानी एक प्रोविजनली पैनल जिससे पहले जारी किया गया था उसके रिगार्डिंग में अगेंस्ट ये रिप्लेसमेंट पैनल जारी कर दिया गया है। तो कैंडिडेट्स की वेटिंग को क्लियर करके कैंडिडेट्स के नाम की लिस्ट को जारी कर दिया गया है, यानी रिप्लेसमेंट पैनल में उनको फाइनली सिलेक्टेड कर लिया गया है। यूआर जनरल कैटेगरी के 15 कैंडिडेट हैं जिनके रोल नंबर मेंशन कर दिए गए हैं। तो आप सभी लोग अपने अपने यहाँ से रोल नंबर मिला लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा जिस जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि अपडेट बड़ी नहीं है, तो मैं यहां से आपको आप यहां से डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा। लिस्ट बहुत छोटी सी है तो यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओबीसी के 3 कैंडिडेट हैं जिनका रोल नंबर मेंशन कर दिया गया, एससी के 1 कैंडिडेट हैं जिनका रोल नंबर मेंशन कर दिया गया। टोटल 19 कैंडिडेट हैं जिनका फाइनली सिलेक्शन कर दिया गया है यहाँ पर आरआरबी की तरफ से। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड थ्री वाले कैंडिडेट हैं। ये अपडेट एएलपी वाले कैंडिडेट्स के लिए थी जिनका रिप्लेसमेंट पैनल के रिगार्डिंग मैंने जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड थ्री वाले कैरियजन वैकेंट के कैंडिडेट हैं जिनका ऑफिशियली ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इनकी ट्रेनिंग शेड्यूल की जो डेट है वो 8 फरवरी रखी गई है। यहाँ पे कम्युनिटी दे रखी है, कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, कैंडिडेट का फादर नेम है, कैंडिडेट का सीरियल नंबर है, कैंडिडेट का नेम दे रखा है। तो यहाँ से आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा कि किस डेट को आपको रिपोर्टिंग करनी है और आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल का फुली एग्जामिनेशन आपका तैयार कर दिया गया है। जो फुली शेड्यूल है आरआरबी की तरफ से जारी कर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 कैंडिडेट है जिनका ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें एससी के भी कैंडिडेट हैं, एसटी के भी कैंडिडेट हैं और प्लस जनरल कैटेगरी के भी कैंडिडेट्स इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो सभी की डेट्स अलग अलग ही हैं, जैसे यहाँ सीरियल नंबर 21 से कैंडिडेट्स की 10 तारीख के बाद में रिपोर्टिंग होनी है, 10 तारीख को सॉरी 10 तारीख को रिपोर्टिंग होनी है। तो यहाँ से आप लोग सभी कैंडिडेट्स अपना नाम, रोल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग यहाँ से मिला लीजिएगा। अब बता देता हूँ, ये जो अपडेट है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आ रही है। साउथ ईस्टर्न रेलवे में 3 जोन आते हैं आपके, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी रांची, आरआरबी मालदा जोन। तो ये आरआरबी कोलकाता, आरआरबी रांची, आरआरबी मालदा वाले जो जोन के जो कैंडिडेट हैं ये उनके कैंडिडेट्स के अपडेट है। तो आप सभी लोग इसको मिला लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे ही और जोन की, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी एएलपी की, टेक्नीशियन की, जेई की हो या कोई भी एनटीपीसी की हो, ग्रुप डी की हो, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।